नमस्कार, विश्व दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के चमोली जिले में चीनी सेना की गतिविधियां देखे जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भूमि मापने गए राजस्व अधिकारियों ने वहां चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी हैं। रावत ने कहा कि ये चिंताजनक है, हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि यहां निगरानी बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को भी इसके बारे में जानकारी है। उल्लेखनीय है कि चीन पहले भी अरुणाचल और लेह लद्दाख सीमा से भारत में घुसपैठ करता रहा है। पीओके में सड़कों पर उतरे लोग पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन। भारत में कश्मीर की हिंसा को आजादी की लड़ाई करार देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब पाक अधिकृत कश्मीर मामले में मुश्किलों में घिर गए हैं। दरअसल पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, चिनारी और मीरपुर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि गत 21 जुलाई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव में शरीफ सरकार की ओर से धांधली की गई है। हालांकि बाद में सरकारी अधिकारियों ने यहां मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। विल्सन एवं टीएम कृष्णा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावशाली मुहिम चलाने वाले एवं कर्नाटक में जन्मे बेजवाड़ा विल्सन और चेन्नई के गायक टीएम कृष्णा को वर्ष 2016 के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए दो भारतीयों के अलावा चार अन्य को भी चुना गया है, जिनमें फिलीपीन के कोंचिता कार्पियो मोरेल्स, इंडोनेशिया के डॉपेट डुआफा, जापान ओवरसीज को ऑपरेशन वॉलंटियर एवं लाओस के वीएमटीएन रेस्क्यू शामिल है। आप विधायक के फार्म हाउस पर आयकर विभाग का छापा। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। छतरपुर से पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के दक्षिणी दिल्ली स्थित फार्म हाउस और कार्यालय पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। पार्टी के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने छापे के बारे में ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने छापा डलवाया है। तंवर की 20 कंपनियां हैं जो जांच के दायरे में बताई जा रही हैं। अब तक पार्टी के 12 विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न, फर्जी डिग्री और अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब तक पार्टी के 11 विधायक गिरफ्तार भी हुए हैं। पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग मामले में बड़ा खुलासा। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद डोपिंग में फेल होने वाले पहलवान नरसिंह यादव के मामले में बुधवार को बड़ा खुलासा हुआ है। नरसिंह के खाने में दवाई मिलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। आरोपी एक जूनियर पहलवान है। पूर्व में यादव ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके खाने में साजिश के तहत कुछ मिलाया गया है। ये थे तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।